उल्टा उल्टा भी ठीक है, कभी कभी उल्टा भी पढ़ना चाहिए। न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और SN2 को बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो बेटा, दोनों के दोनों क्या है, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक यानी जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, जिसको एटम चाहिए, जिसको एटम चाहिए जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल होते कौन कौन से बेटा, जैसे कि हम न्यूक्लियोफाइल की बात करें, ऐसे न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिनमें ऑक्टेट तो पूरा ही होता है, साथ में लोन पेयर, जैसे कि NH3 एक न्यूक्लियोफाइल, इसका ऑक्टेट भी पूरा है साथ में लोन पेयर। H2O एक बेटा न्यूक्लियोफाइल है, इसका ऑक्टेट भी पूरा है साथ में लोन पेयर। लेकिन अगर यही बात करें हम लोग CCl2 की, बेटा ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, लोन पेयर तो है लेकिन इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो न्यूक्लियोफाइल पर पहचान कैसे करेंगे, उसका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए बेटा, लोन पेयर होना चाहिए। जैसे कुछ एनायन भी होते हैं, कुछ एनायन होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जैसे Cl-, उसके बाद बेटा OH-। देखो इसमें क्या है बेटा, ये एक एनायन है, इसके ऑक्टेट भी पूरा है साथ में लोन पेयर भी, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल, ठीक। तो इसको भी हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, इसको भी न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। H2O इसमें ऑक्सीजन आप लोग क्या कर सकता है, लोन पेयर दे सकता है, OH में भी ऑक्सीजन दे सकता है। सबसे बढ़िया न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, सबसे बढ़िया वो न्यूक्लियोफाइल होता है जो आसानी से लोन पेयर दे दे, और इन दोनों में से लोन पेयर आसानी से कौन दे देगा बेटा, OH दे देगा, क्योंकि OH के पास -4 है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। तो हम लोग पूरा पढ़े थे डिटेल 11th में कि कौन न्यूक्लियोफाइल बेस्ड होता है, किस तरीके से मालूम करते हैं कि न्यूक्लियोफाइल। आपको तो सिर्फ इतना ही पता करना है कि न्यूक्लियोफाइल का मतलब जिसके पास लोन पेयर हो और वो आसानी से लोन पेयर दे सकता है, उसका ऑर्बिट पूरा हो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब इसमें दो न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलेगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, एक न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलेगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा बेटा, जुड़ जाएगा, इसकी बात कर रहा है यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे मैं बात कर रहे हम लोग यहाँ पर, मैंने ले लिया कोई हाइड्रोजन हैलाइड, साथ में ले लिया बेटा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल। देखो बेटा इस हाइड्रोजन हैलाइड में भी न्यूक्लियोफाइल है, ये वाला न्यूक्लियोफाइल नहीं है, और ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। इस न्यूक्लियोफाइल को बोलते हैं लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप, और इस न्यूक्लियोफाइल को बोलते हैं अटैकिंग ग्रुप। अटैकिंग ग्रुप इसमें एक अपनों का ऐसा न्यूक्लियोफाइल है वो जो लिविंग ग्रुप है, मतलब ये कार्बन छोड़ के बाहर निकल जाएगा, और दूसरा ऐसा होगा जो अटैक करता है। अब यहां पर क्या होगा, ये तो जुड़ जाएगा आर से, और यहां पर बाहर कौन निकल जाएगा बेटा, एक्स। इसमें लिविंग ग्रुप कौन है बेटा, इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को लिविंग ग्रुप ही पढ़ने हैं, राइट से हैलाइड्स बाहर निकल जाएंगे, न्यूक्लियोफाइल जुड़ते हैं, कौन सा न्यूक्लियोफाइल जुड़ेंगे, अटैकिंग। देखो ये भी न्यूक्लियोफाइल है
लेकिन ये लिविंग है, ये जाएगा बाहर और ये क्या करेगा बेटा, इससे जुड़ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो यहां पर ले लेंगे बेटा RCl और यहां पर मैंने ले लिया बेटा OH माइनस। देखो Cl जो है ये इलेक्ट्रॉन R से खींच लेता है, इसको चार्ज कैसा आता है माइनस, और R पर कैसा आता है बेटा प्लस, तो ये भी एक न्यूक्लियोफाइल, लेकिन ये कैसा है बेटा लिविंग वन, और ये कैसा है अट्रैक्टिंग वन, तो ये जुड़ जाएगा R से और ये बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा आर ओ एच, और बाहर क्या निकल जाएगा बेटा Cl। अब ये तरीके होते हैं बेटा इसका जुड़ने में, दो टाइप के मैकेनिज्म पाया जाता है। पहला मैकेनिज्म होता है बेटा SN1। SN1 क्या करना चाहता है, SN1 में ये करना है कि पहले ही बॉन्ड टूटना चाहिए, मतलब मान लीजिए बेटा R X है, इस रिएक्शन को दिखाना है SN1 के द्वारा, कैसे दिखाएंगे SN1 के द्वारा कैसे दिखाएंगे, तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ कर दिखाएंगे बेटा, यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा यानी RX पहले ये टूट जाए, यहाँ ब्रेक हो जाए, ये हो जाएगा R प्लस और X माइनस, ठीक है बेटा। और ये जो कार्बो कटेन बना है, इस कार्बो कटेन पर कौन अटैक करेगा बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ बच जाएगा RNU। लेकिन अगर यही SN2 होता फिर क्या होता बेटा, अगर SN2 होता फिर इसमें RXNU, ये हो जाएगा बेटा RNU और X, ये बनेगा कैसे इसको देखो, सबसे पहले बेटा ये जो RX है इस पर अटैक कर देगा न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर देगा, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इस स्टेट को क्या बोलते हैं बेटा ट्रांजिशन, क्या कहते हैं ट्रांजिशन, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आर से जुड़ जाता है, और एक बार देखो दोनों में फर्क है, यह न्यूक्लियोफाइल से वेट किया ये बॉन्ड टूट जाए, और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर क्या बन रहा है कार्बो कैटायन प्लस, मतलब उसे क्या बोलते हैं कार्बो, तो ये बॉन्ड टूटने का इंतजार कर रहा है न्यूक्लियोफाइल, जबकि इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें क्या करेगा ये अटैक कर देगा, बॉन्ड टूटने का इंतजार नहीं करेगा, ये कार्बन पर अटैक कर देगा, और इससे कार्बन पर अटैक कर दिया, इस स्टेट को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, क्या बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, और इसे बोलते हैं बेटा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, इसमें जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना है वह इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एक कार्बो कैटायन है, कार्बो कैटायन है, जबकि इसमें बना है बेटा ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, तो बेसिकली आपको बने इन दोनों में अंतर समझना है बेटा। SN1 में क्या होता है, पहले RX बॉन्ड टूटता है इसका वेट कर, जब ये RX बॉन्ड टूट जाएगा तब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, जबकि SN2 में ऐसा नहीं होता बेटा, SN2 में वेट नहीं करता है, पहले क्या करेगा अटैक कर देगा, फिर ये जुड़ जाएगा और RX बॉन्ड क्या हो जाएगा टूट जाएगा, तो ये बेसिक है SN1 का और SN2। SN1 में क्या होता है बेटा, SN1 में सबसे पहले RX बॉन्ड जो है वो टूट जाता है, और SN2 में ये जो न्यूक्लियोफाइल है पहले अटैक, इसको हम लोग पूरी अच्छी तरह से यहां पर लिखेंगे कुछ डिफरेंस किसका बेटा, SN1 का और SN2 का, पहले डिफरेंस लिख लेंगे और फिर इसको हम लोग SN1 को अलग से, क्या क्या डिफरेंस है बेटा SN1 में और SN2 में, SN1 और SN2 इनमें डिफरेंस है, देखो पहला बात SN1 जो होता है ये होता है यूनि मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये कैसा होता है बेटा बाई मॉलिकुलर
नियुक्ति हो फिलिप सब्स्टिट्यूशन इसमें सबसे पहले क्या होता है ना, सबसे पहले इसमें होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, मतलब आर एक्स जो बॉन्ड है वो पहले टूटेगा, इसमें आर एक्स बॉन्ड पहले टूट जाएगा। अच्छा भैया आर एक्स बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा आर प्लस, ये हो जाएगा बेटा एक्स माइनस, तो ये बॉन्ड पहले टूट जाएगा ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता बेटा, इसमें क्या बनता है बेटा, इसमें डायरेक्ट बनता है आप लोगों को वन स्टेप में ही होता है ये, और ये सिंगल स्टेप में होने के कारण यहाँ पर डायरेक्ट होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेप। यहां पर बेटा डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, इस पर बेटा आर, इसमें डायरेक्ट आर अटैक कर देता है, इसमें कोई कार्बो कटायन एसएन1 में बनता है जबकि एसएन2 में ट्रांजिशन स्टेट बनता है। अब यही ट्रांजिशन स्टेट, यही जो ट्रांजिशन स्टेट है बेटा, यही ट्रांजिशन स्टेट टूट जाता है, और इसमें ये बॉन्ड टूट जाएगा, आर एक्स बॉन्ड बाहर निकल जाएगा और ये जुड़ जाएगा बेटा न्यूक्लियो, तो ये सिंगल स्टेप में होता है बेटा, ये पूरा का पूरा कैसा होता है सिंगल स्टेप, जबकि ये दो स्टेप में। सबसे पहले क्या होता है कार्बो कैटायन, किसी को बोलते हैं कार्बो कैटायन, कार्बो कैटायन, और सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होगा बेटा कार्बो कैटायन पर अटैक कर देगा न्यूक्लियोफाइल, जब न्यूक्लियो पर अटैक करेगा तो ये जुड़ जाएगा आर एन यू। तो अब इससे देखा जाएगा कि ये दो टाइप का प्रोडक्ट बने, एक तो आर एन यू और एक एन यू आर, ये दोनों का मतलब समझो बेटा, इसका मतलब क्या होता है इसका, जब हम आर एक्स का स्ट्रक्चर देखेंगे, आर एक्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा, कोई एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लें, कोई भी एक सिंपल सा, जैसे मान लीजिए सी एस थ्री CN. अगर हम इसका देख ले बेटा स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर लिखेंगे कार्बन, ये हो जाएगा CL, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा H, ये भी हो जाएगा। यह जो स्ट्रक्चर है बेटा ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है जिसमें CL ऊपर, और ये कार्बन की जो हाइब्रिडेशन है वो क्या बेटा sp3। लेकिन जब ये बेटा टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो कार्बन कैसा हो जाएगा बेटा, कार्बो कैटायन, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, और ये सीएल बाहर निकल जाएगा। अब ये स्ट्रक्चर कैसा, ये तो था टेट्राहेड्रल, लेकिन ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया, इसकी हाइड्रोजन क्या हो गया बेटा sp2, और sp2 का मतलब क्या हो गया बेटा ट्राइगोनल प्लेनर ठीक है। अब इस ट्राइगोनल प्लेनर पर अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल मान लीजिए अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो इसके पास दो ऑप्शन है, कितने ऑप्शन रहेंगे बेटा दो ऑप्शन, कहां कहां से अटैक कर सकता है, मान लीजिए बोर्ड पर है तो बोर्ड के आगे से आकर अटैक कर सकता है, या बोर्ड के, अगर बेटा मान लो कि ये सीएल जो है वो बोर्ड के आगे लगा और उधर से ये सीएल जहां पर लगा है उसी साइड से आकर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा तो उसको कहते हैं रिटेंशन, क्या कहते हैं, जैसे देखो बेटा आर एक्स, जिधर एक्स है उधर ही न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है तो हम इसको बोलते हैं रिटेंशन, रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन, और जिधर एक्स है उसके ठीक उल्टा जुड़ा, एक्स के ठीक उल्टा जुड़ा है हम उसको क्या बोलते हैं बेटा इन्वर्जन। तो एसएन वन कितने टाइप के आपको दिखाता है बेटा, यहाँ पर दो टाइप का कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है, पहला टाइप कैसा दिखाता है बेटा रिटेंशन, और दूसरा क्या दिखाता है बेटा इन्वर्जन, और दोनों सेम अमाउंट में होते हैं, इसी मिक्सचर को क्या कहते हैं बेटा रेसिनिक मिक्सचर, क्या बोलते हैं हम लोग पढ़ेंगे बेटा इसको, हम लोग पढ़ाएंगे ये जो इनैंसियोमर्स है, और ये दोनों इनैंसियोमर्स 50% रहेंगे, इसी को कहा जाता है रेसिनिक मिक्सचर, यानी एसएन वन के अंदर क्या बनता है बेटा, एसएन वन के अंदर बनता है रेसिनिक मिक्सचर, जबकि एसएन टू के अंदर ऐसा नहीं है बेटा, देखो आर एक्स ठीक इसके उल्टा बन रहा है बेटा, यहाँ पर कौन सा बन रहा है प्रोडक्ट, रिटेंशन बन रहा है कि इन्वर्जन बन रहा है, रिटेंशन बन रहा है कि इन्वर्जन बन रहा है,
इन्वर्जन बन रहा है, देखो बेटा SN2 में इन्वर्जन बन रहा है, इसको भी एक बार डायग्राम से देखो कैसे। जैसे मान लो बेटा यहां पर कार्बन है HCl, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, एक कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएगा कोई भी, जब ये जुड़ना चाहेगा तो किधर से अटैक करेगा, इसके पास एक ही ऑप्शन है, ये कार्बो कैटायन बनाता नहीं है, SN2 कभी कार्बो कैटायन नहीं बनाता, ये डायरेक्ट अटैक करेगा, ये कहां से अटैक करेगा बेटा, Cl की तरफ से करेगा क्या, नहीं, क्योंकि Cl आप लोगों का पहले से आप लोगों का न्यूक्लियोफाइल है, पहले से ये न्यूक्लियोफाइल है, यहां पर अटैक ये इधर से नहीं कर सकता है, तो ये किधर से करेगा, यानी SN2 में हमेशा किधर से अटैक होता है बेटा, रिटेंशन इन्वर्जन, कौन सा था बेटा इन्वर्जन, हमेशा इससे इन्वर्जन अटैक होता है, और जब ये इन्वर्जन यहां पर जुड़ेगा तो जुड़ते ही बेटा देखो न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा नीचे, हाइड्रोजन सभी कहां हो जाएंगे बेटा ऊपर की तरफ, देखो Cl के ठीक उल्टा, Cl का ऊपर न्यूक्लियोफाइल नीचे जुड़ा, तो SN2 में इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है, जबकि SN1 के अंदर बेटा दोनों टाइप में बनता है, रिटेंशन भी बनता है और साथ में इन्वर्जन भी, यस और नो, तो रेसनिंग मिश्रण किस में बनते हैं, SN1 में या SN2 में, कितने स्टेप में होता है SN1, दो स्टेप, पहला स्टेप क्या बनता है बेटा कार्बो कैटायन, दूसरा स्टेप क्या होता है, इस कार्बो कैटायन को पलटा करता है, ये SN2 कितने स्टेप में होता है, वन स्टेप, इसके अंदर कौन सा स्टेट बनता है, ट्रांजिशन स्टेट, क्या बनता है बेटा ट्रांजिशन स्टेट, देखो बेटा यह वन स्टेप में होता है और ये स्लो स्टेप होता है बेटा, धीरे धीरे होता है, और मैंने आप लोगों को एक RDS के बारे में बताया था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी यहां पर जो रिएक्शन है उसकी रेट किस पर डिपेंड कर रही है, रिएक्शन कब फास्ट होगा ये किस पर डिपेंड कर रही है बेटा, दोनों की कंसंट्रेशन पर, देखते एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर और न्यूक्लियोफाइल की भी कंसंट्रेशन, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक कंसंट्रेशन, बाई मॉलिकुलर का मतलब क्या होगा बेटा, यहां पर एल्काइल हैलाइड चेंज कर दो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, यानी यहां पर एल्काइल हैलाइड को डबल कर दो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल को डबल कर दो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा, यानी इन दोनों में से किसी को चेंज करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, लेकिन SN1 में ऐसा नहीं है, SN1 में ये जो स्टेप दिख रहा है बेटा यही है स्लो स्टेप, इसके अंदर क्या होगा बेटा स्लो स्टेप के अंदर, इस स्लो स्टेप के अंदर क्या दिखेंगे बेटा, यहां पर स्लो स्टेप इसमें कौन सा एल्काइल हैलाइड, अगर एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन को चेंज करोगे तो इसकी आप लोगों का रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, मतलब रेट अगर हम लोग बढ़ाएंगे, मान लीजिए इसकी कंसंट्रेशन डबल कर दे तो रेट क्या हो जाएगा डबल, इसकी कंसंट्रेशन को हाफ कर दे तो रेट क्या हो जाएगा बेटा हाफ, लेकिन न्यूक्लियोफाइल को डिपेंड नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल को डबल करने से रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए इसका नाम क्या बोलते हैं बेटा यूनिमॉलिक्यूलर, यानी SN1 में जो रेट होता है वो किस पर डिपेंड करता है बेटा एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर, न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता, जबकि SN2 में बेटा रेट, SN2 में जो रेट होता है वो किस पर डिपेंड करता है एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करता है और साथ में न्यूक्लियोफाइल पर, यस और नो, अगर मैं इसको डबल कर दूं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा डबल हो जाएगा, इसको भी डबल कर दूं तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा, और दोनों को डबल कर दे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या जाएगा फोर टाइम्स हो जाएगा, यस और नो, जबकि यहां पर ऐसा नहीं है, आप यहां पर न्यूक्लियोफाइल को कितना भी कंसंट्रेशन ले लो रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे माना था मेन जो टॉपिक है वो निकालकर इसमें समझो, SN1 में, SN1 बाद में SN2 देखेंगे, SN1 में जो मेन कॉन्सेप्ट निकल कर आया वो क्या क्या पॉइंट निकल कर आया, SN1 के अंदर आप लोगों को कुछ पॉइंट निकला, पॉइंट नंबर फर्स्ट SN1 इसकी जो रेट होती है वो किस पर डिपेंड करती है बेटा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्काइल हैलाइड, इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, एल्काइल हैलाइड बढ़ा दो रेट ज्यादा हो जाएगा,
एल्काइल एलाइड के बाद न्यूक्लियोफाइल को बढ़ाने से कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसका जो रेट होता है वो एल्काइल एलाइड पर डिपेंड करता है, पहली चीज। सेकेंड इसमें क्या निकलता है, ये कितने स्क्रिप्ट में होता है, ये टू स्क्रिप्ट में होता है। इसमें पहला स्क्रिप्ट क्या है बेटा, कार्बोकैटायन बनाना है। कार्बोकैटायन बनाना, कैसे बनाएंगे कार्बोकैटायन, देखो बेटा आर एन और ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहां हो जाएगा आर प्लस और एस। दूसरा स्टेप क्या होगा बेटा, अटैक न्यूक्लियोफाइल, अटैक न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन। बेटा इस आर पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, दो कंडीशन मिलेंगे बेटा। पहला कंडीशन जिधर हैलाइड है उधर ही न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, और दूसरा बेटा कंडीशन है हैलाइड के ठीक उल्टा जुड़ेगा, हैलाइड की तरफ जुड़ेगा तो इसे क्या बोलेंगे बेटा, रिटेंशन कॉन्फिगरेशन, और हैलाइड के ठीक उल्टा जुड़ेगा तो उसे क्या बोलेंगे बेटा, इनवर्जन। और इसी दोनों इनान्सियो मर्स को क्या बोलते हैं बेटा, रेसिपिक मिक्सचर। यानी ऐसे वन के अंदर कौन सा मिक्सचर बनता है बेटा, रेसिपिक मिक्सचर। अब कार्बोकैटायन बनने का मतलब क्या है, अगर कार्बोकैटायन बन रहा है इसका मतलब क्या है, अगर रीअरेंजमेंट हो तो उसको करना है, यानी रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल है रीअरेंजमेंट करने पड़ेंगे, इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट पुनर्विन्यास पॉसिबल है बेटा, अगर कार्बोकैटायन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट आप कर सकते हो। नेक्स्ट और कौन सा पॉइंट है बेटा इसके अंदर, अब इसमें न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए कि वीक न्यूक्लियोफाइल। ऐसे वन क्या करता है बेटा, न्यूक्लियोफाइल वेट करता है कार्बोकैटायन बनने का, कार्बोकैटायन बनने का वेट कर रहा है, मतलब न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए बेटा, वीक न्यूक्लियोफाइल। यहां पर वीक न्यूक्लियोफाइल वो भी करना है बात। नेक्स्ट बेटा सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, ऐसे एनिमल के लिए सबसे बढ़िया सॉल्वेंट कौन सा होता है बेटा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए बेटा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। यही कुछ पॉइंट है जिस पॉइंट को आप लोगों को समझना है, ठीक है। पहला पॉइंट बेटा, फर्स्ट पॉइंट, ऐसे एनिमल में जो केमिकल रिएक्शन का रेट होता है वो किस पर डिपेंड करता है बेटा, एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन, एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन डबल कर दो रेट डबल हो जाएगा, कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर दो रेट ट्रिपल हो जाएगा। लेकिन न्यूक्लियोफाइल को चेंज करने से क्या फर्क पड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल को हम डबल कर दें तो क्या रेट पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, ध्यान। फिर उसके बाद ये कितने स्टेप में होता है बेटा, टू स्टेप में, टू स्टेप में से पहला स्टेप क्या बनता है बेटा, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन जब बनता है बेटा यहाँ पर ध्यान रखना, तो यहीं पर प्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत होती है, यहीं पर पोलर प्रोटिक यहीं पर हेल्प करता है, जो जितना बढ़िया पोलर प्रोटिक है उतना बढ़िया रिएक्शन होगा। देख लो जैसे एग्जाम्पल के तौर मान लीजिए बेटा यहाँ पर है, एक है वाटर और दूसरा है मेथेनॉल, दोनों पोलर प्रोटिक, दोनों के दोनों। अगर कोई पूछे कि वाटर लेने से ये रिएक्शन फास्ट होगा आसानी से हो जाएगा कि मेथेनॉल लेने से आसानी से हो जाएगा, देखो आसानी से पोलर प्रोटिक जो होता है वो H2 होता है, ये आसानी से H+ देता है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये बताएंगे यहाँ पर कि अगर हम वाटर ले लेंगे तो यह रिएक्शन फास्ट होगा और मेथेनॉल लेंगे तो यह रिएक्शन क्या होगा बेटा, यानी फेवरेबल कौन है बेटा इसमें, सॉल्वेंट यहाँ पर फेवरेबल कौन है, जो बढ़िया पोलर प्रोटीन है, और सबसे बढ़िया पोलर प्रोटीन कौन सा बेटा इसमें, वाटर, कौन सा बेटा, तो याद कर सकते हो, एग्जांपल समझ सकते हो बेटा, क्या सॉल्वेंट पर, सॉल्वेंट को चेंज करने पर SN1 के रेट पर कोई फर्क पड़ता है, तो हाँ बेटा सॉल्वेंट के चेंज करने पर फर्क पड़ता है, अगर सॉल्वेंट यहाँ पर H2 है यह रिएक्शन फास्ट होगा, मेथनॉल होगा तो यह रिएक्शन क्या होगा बेटा, देखो न्यूक्लियोफाइल पे नहीं लेकिन सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। उसके बाद बेटा रेसिमिक मिक्सचर समझ ही गए, रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों को 50% को क्या बोलते हैं बेटा, रेसिमिक मिक्सचर।
रीअरेंजमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट, मतलब अगर कार्बोकैटायन है तो वह कार्बोकैटायन 1 डिग्री से अगर 2 डिग्री बन रहा होगा तो वो 2 डिग्री बनाएगा, 2 डिग्री से अगर ये 3 डिग्री बना रहा होगा तो 3 डिग्री भी बना लेगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर मैंने बेटा यहां पर सपोज बेटा ये स्थिति है, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहां पर कार्बोकैटायन है। अब ये कार्बोकैटायन कैसा है बेटा, देखो ये कार्बोकैटायन 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, अगर ये कार्बोकैटायन इस कार्बन पर चला जाए तो कौन सा कार्बोकैटायन हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या करेगा बेटा, यहां से मूव हो जाएगा, और देखो यहां पर इसमें रीअरेंजमेंट पाया गया। कैसे रीअरेंजमेंट हुआ है, यहां से जो हाइड्रोजन है वो चला गया इस कार्बन के पास, अब इस कार्बन पर हाइड्रोजन गया है तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज, क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन उठ के यहां पर चला गया और यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। यह जो है बेटा कार्बोकैटायन वो 1 डिग्री है, जबकि ये कार्बोकैटायन 2 डिग्री है। 1 डिग्री में अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ दो ही है, जबकि 2 डिग्री में अल्फा हाइड्रोजन कितने बेटा, तो यहां पर प्रोडक्ट कौन बनाएगा, ये वाला प्रोडक्ट बनाएगा या ये वाला बनाएगा बेटा, ये बनाएगा, ध्यान, रीअरेंजमेंट हो जाएगा और यहां से प्रोडक्ट बनेगा, यहां से नहीं बनेगा, क्लियर। मान लीजिए OH अटैक करेगा, OH कहां पर अटैक करेगा, यहां पर अटैक करेगा, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल, ये क्या बेटा ज्यादा स्टेबल, ध्यान रखना OH यहां पर अटैक करेगा, यस और नो। तो नेट पर डाला, मान लो इस तरह से हो, चलो ऐसा, तो बताओ बेटा यहाँ पर प्रोडक्ट कहाँ पर बनेगा। सबसे पहले देखो कि ये रीअरेंजमेंट करेगा क्या, पहले ये देखो कि क्या यहाँ से हाइड्रोजन हट जाए और ये हाइड्रोजन यहाँ पर चला जाए, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव, अब देखो बेटा क्या ये पॉजिटिव आगे भी जा सकता है, देखो अभी भी हाइड्रोजन है यहाँ, हाइड्रोजन भी शिफ्ट कर सकता है, मिथाइल भी शिफ्ट कर सकता है और फिनाइल भी शिफ्ट कर सकता है। सबसे बढ़िया शिफ्टिंग कौन करता है, हाइड्रोजन, उसके बाद मिथा फिनाइल, और उसके बाद बेटा कौन करता है, मिथाइल। देखो तो हाइड्रोजन को शिफ्ट करो, तो हाइड्रोजन को शिफ्ट करेंगे फिर से हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकैटायन है, इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन सा है बेटा, देखो ये कार्बोकैटायन आप लोग का 2 अल्फा हाइड्रोजन, देखो एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन बेटा, 3, और एक ये रहा 4 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास कितने बेटा, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन और 2, और मिलाकर कितने हो बेटा, 8 अल्फा हाइड्रोजन। बताओ बेटा इसमें प्रोडक्ट कौन बनाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड बनाएगा। अब आप लोग क्या करो, ऐसा मान लो आपके सामने मिल जाए पीएच ना, सपोज देखो बेटा यहाँ सी एल और यहाँ आप लोग एच टू है, मतलब ओ एच जुड़ेगा, एच टू से ओ एच जुड़े, अब इसमें ओ एच जोड़ना है और तुम यही पर ओ एच जोड़ दो तो गलत हो जाएगा, ये ओ एच यहाँ जुड़ेगा ही नहीं, ये ओ एच कहाँ जुड़ेगा बेटा, देखो यहाँ, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, देखो यहाँ पर हम लोगों ने जोड़ दिया और यहाँ बनेगा बेटा, यहाँ क्या बनेगा बेटा OH, तो OH यहाँ पर जुड़ेगा, अब तुम यहाँ पर OH जोड़ दो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो कार्बोकैटायन वो शिफ्ट होता जाएगा, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो SN1 में क्या होता है बेटा, रीअरेंजमेंट, SN1 में क्या होता है बेटा, रीअरेंजमेंट होता है, और रीअरेंजमेंट के द्वारा ही हम प्रोडक्ट बनाते हैं। देखो सबसे पहले सिंपल सा एक लेते हैं रिएक्शन, Cl वीक न्यूक्लियोफाइल, ये कैसा न्यूक्लियोफाइल है बेटा, वीक न्यूक्लियोफाइल, ये वीक न्यूक्लियोफाइल। क्या एक चीज हम लोग भूल गए बेटा, हीट के बारे में, क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हीट देंगे या नहीं देंगे, हीट ज्यादा रखेंगे या कम रखेंगे,
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हीट ज्यादा रखा जाता है या कम रखा जाता है? लो टेम्परेचर रखा जाता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या करते हैं बेटा? लो टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर नहीं देना होता है। अगर टेम्परेचर दे दोगे तो ये रिएक्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? एलिमिनेशन। कौन सा हो जाएगा बेटा? एलिमिनेशन हो जाएगा, विलोपन अभिक्रिया होता है। ठीक है, अब यहाँ पर रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा बेटा? सबसे पहले समझ लो, अज्यूम कर लो कि ये कार्बो कैटायन बन गया, क्योंकि ऐसे बने तो कार्बो कैटायन बना है। अब ये कार्बो कैटायन स्टेबल है क्या? हाँ बेटा ये स्टेबल। देखो इधर तो 1 डिग्री बनेगा, 1 डिग्री क्यों बनाएगा? पहले से 2 डिग्री। आप क्या करोगे बेटा? डायरेक्ट यहाँ पर क्या जोड़ दोगे? ओ क्या जोड़ दोगे बेटा? चलो इसमें देखो तो बेटा सबसे पहले अज्यूम कर लो, मान लो कि ये टूट चुका है और यहाँ पर प्लस बन चुका है। बताओ बेटा क्या वही स्टेबल है या आगे का है? ये प्लस यहीं पर रहेगा या आगे की तरफ जाएगा बेटा? देखो यहाँ पर जो प्लस बना है वो 1 डिग्री कार्बन कैटायन है, जबकि यहाँ पर जो प्लस बनेगा बेटा वो क्या होगा? 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है। ये बॉन्ड टूटेगा लेकिन कार्बन कैटायन यहाँ बनेगा। यस और नो? कार्बन कैटायन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो OH कार्बन पर जुड़ेगा। इस कार्बन पर जुड़ेगा या इस कार्बन पर जुड़ेगा बेटा? इस वाले कार्बन पर जुड़ेगा। यहाँ पर हो जाएगा बेटा, ये कौन सा अल्कोहल है बेटा? सेकेंडरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल। बनाओ बेटा क्या बनता है इससे? अगर ये अटैक करता है तो क्या बनता है? ईथर बनता है, इसके अटैक करने से ईथर बनता है। यहाँ से H निकलता है, यहाँ से Cl निकलता है, और O जुड़ता है तो ईथर। अभी ईथर कहाँ जुड़ेगा? तो जो ऑक्सीजन कहाँ जुड़ेगा? सबसे पहले मान लो ये टूट गया है, मान लिया हम लोगों ने यहां पर प्लस बन गया, क्योंकि ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, ऐसे बंद हुआ कार्बन कैटायन। क्या ये आगे शिफ्ट होगा? देखो बेटा ये यहाँ से शिफ्ट होता है यहाँ, क्या अभी भी शिफ्ट होगा? अभी भी ज्यादा स्टेबल बना सकता है और यहाँ पर शिफ्ट, अब कहीं शिफ्ट नहीं होगा। यानी जो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पर, इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अटैक करेगा, हाइड्रोजन तो निकल जाएगा बेटा, और ऑक्सीजन के एक तरफ CH3 है तो वो अल्कोहल नहीं बना है। क्या बनाएगा बेटा? ईथर। क्या बनाएगा? यहाँ पर ईथर का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? ऐसे जस्ट इसी तरह लिख देंगे और यहाँ पर लिखेंगे बेटा OCH3। देखो ये ईथर बन गया, इस ईथर का नाम बताओ, इस ईथर का नाम बताओ, ये जो ईथर है इसका नाम क्या? देखो इसकी नंबरिंग करो, यहाँ से 1, 2, 3, 4 नाम बताओ। हो गया, इसका नाम क्या है? देखो इसमें 1, 2, 3, 4 2 पर क्या है बेटा? मिथाइल, और 2 पर ही मिथॉक्सी। पहले किसे लिखें, मिथाइल को या मिथॉक्सी? इन दोनों का मैच कर रहा है, ई भी कर रहा है, टी भी कर रहा है, एच भी कर रहा है, लेकिन मिथाइल में वाई होता है जबकि मिथॉक्सी में वो होता है। पहले कौन आ जाएगा बेटा?
मेथॉक्सी ये हो जाएगा टू मेथॉक्सी टू मिथाइल और चार कार्बन है तो हम इसे क्या बोलेंगे ब्यूटेन, चार कार्बन है तो इसे क्या बोलेंगे बेटा ब्यूटेन। ओके ये आप देख सकते हो इस तरह बेटा ठीक है, टू मेथॉक्सी टू मिथाइल ब्यूटेन, टू मेथॉक्सी टू मिथाइल ब्यूटेन। तो रीअरेंजमेंट इसमें पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट होगा तो वहां पर करना पड़ेगा आप लोगों को रीअर ठीक है। अब ये एसएन वन क्यों पढ़ रहे हैं, कल एक टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था, उस टॉपिक का नाम क्या था मार्कोनी का, और मार्कोनी का किस मैकेनिज्म को काम करता है बेटा, कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करता है एसएन वन पर, किस पर करता है बेटा उसमें कार्बोकैटायन बनता है, यानी मार्कोनी कप में बेटा कार्बोकैटायन बनता है, और कार्बोकैटायन बनने का मतलब वहां पर क्या होगा बेटा रीअरेंजमेंट। तो उसी टॉपिक को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर एसएन वन को देखे थे, फिर एसएन वन जब टॉपिक आएगा उसमें पूरा डिटेल में फिर से देखेंगे इसको, तभी हम लोग उस टॉपिक की तरफ चलते हैं, और उस टॉपिक का नाम है बेटा मार्कोनी कप रूल्स। चलो मार्कोनी कप रूल्स यानी पॉइंट नंबर ये कौन सा था बेटा कल का, कल हम लोगों ने जो हाइड्रोजन पढ़े थे उसमें एल्कीन से हाइड्रोजन का फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, एल्कीन से हाइड्रोजन, यानी हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था प्रिपरेशन ऑफ, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन किसके द्वारा बेटा एल्कीन के द्वारा, इसके द्वारा एल्कीन के द्वारा, एल्कीन के द्वारा अगर इसको बनाना है तो पहला नियम है बेटा मार्कोनी का रूल, क्या होता है मार्कोनी का रूल, मार्कोनी कप रूल्स में न्यूक्लियोफाइल कहां जुड़ता है, मार्कोनी कप रूल्स में न्यूक्लियोफाइल को कहां जोड़ते हैं जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, और हाइड्रोजन को कहां जोड़ते हैं बेटा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है, उसे हम लोग मार्कोनी कप रूल्स कहते हैं। इसमें होता क्या बेटा कोई भी एल्कीन ले लो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है और हाइड्रोजन वहां पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, तो फिर जोड़ दो बेटा ये हो जाएगा CH3CH Cl CH3। क्लियर है बेटा, चलो एक क्वेश्चन यहां पर बन गया बेटा, चलो बेटा मार्कोनिकफ के अकॉर्डिंग सीएल कहां जुड़ना चाहिए, मार्कोनिकफ के अकॉर्डिंग सीएल कहां जुड़ना चाहिए बेटा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो, यानी सीएल कहां जुड़ना चाहिए बेटा यहां पर जुड़ना चाहिए, और हाइड्रोजन कहां जुड़ना चाहिए बेटा सीएच के ऊपर, लेकिन क्या रियलिटी में ये पॉसिबल है, क्यों नहीं, क्योंकि ये रीअरेंजमेंट करेगा, रीअरेंजमेंट करने के कारण सीएल यहां जुड़ेगा ही, अगर आपने जोड़ दिया तो गलत हो जाएगा, समझ आया बेटा। तो मार्कोनी कप रूल हर जगह पर काम नहीं करता, देखो यहाँ पर गलत हो गया मार्कोनी कप, हाइड्रोजन तो ठीक अपनी जगह पर जुड़ गया, हाइड्रोजन का कोई टेंशन नहीं, देखो हाइड्रोजन हर बार वहीं पर जुड़ रहा है, लेकिन जो न्यूक्लियोफाइल वो वहां पर नहीं जुड़ रहा बेटा, रीअरेंजमेंट कर लेगा, और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर ना जुड़कर यहाँ पर जुड़े, देखो कैसे, सबसे पहले जब हाइड्रोजन जुड़ता है बेटा हाइड्रोजन यहाँ पर अटैक करेगा तो यहाँ पर चार्ज प्लस बन रहा है, ध्यान जब हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ेगा तो यहाँ पर चार्ज कैसा बनेगा, चलो तो इसके मैकेनिज्म को समझते हैं, सबसे पहले देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पर H प्लस अटैक करेगा, सबसे पहले ये H प्लस कहाँ अटैक करेगा बेटा, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पर, और यहाँ पर चार्ज आ जाएगा माइनस, यहाँ पर चार्ज कैसा आएगा बेटा प्लस, ये बन गया कार्बोकैटायन है, ये बन गया कार्बन है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर अटैक कर देगा CH2,
यहाँ पर बन जाएगा CH3 और ये हो जाएगा बेटा CH3 और ये जाएगा प्लस, ठीक है। कार्बो कटायन यहाँ पर बन गए। अब ये कार्बो कटायन क्या करेगा बेटा, रीअरेंजमेंट करेगा, क्योंकि ये मैकेनिज्म कौन सा है बेटा, SN1, और SN1 के थ्रू ये हम लोग का रीअरेंजमेंट करेगा। भाई कहाँ जाएगा बेटा, अगर ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाए तो प्लस कहाँ जाएगा बेटा, इसके पास रीअरेंजमेंट कर दो, ये हो जाएगा CH3C, यहाँ पर जाएगा बेटा CH3 और ये हो जाएगा बेटा CH2CH3 और यहाँ पर चार्ज कैसे बन जाएगा, इसीलिए बेटा जो Cl- है वो कहाँ पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर। यस और नो, कार्बो कटायन यहाँ बना है, ये वाला आप लोग अनस्टेबल है, ये हाईली स्टेबल है, तो यहाँ पर अटैक करेगा बेटा Cl- और Cl- पर अटैक करेगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3C CH3 CL CH2 CH3, नाम बताओ बेटा इसका, नाम बताओ। देखो यहाँ मिल गया CH3 CL, क्या हो गया CH3 CH2 CH3, क्या नाम है इसका, 2-chloro-2-methyl और 5-4 carbon है, तो क्या बोलेंगे बेटा इसको, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल आप लोग करो, बनाओ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सी है ऊपर CH2, कुछ नहीं लिखा तो वो CH2 का आएगा, ये CH2 कहां पर आंसर आएगा बेटा इसका, Cl कहां पर जुड़ेगा, ये साइक्लोहेक्सेन ऐसे कैसे रहेगा बेटा, यहां पर CH3 हो जाएगा, CH2 से क्या बन जाएगा CH3, ठीक है। और यहां पर बेटा कौन जुड़ जाएगा, यहां से जुड़ जाएगा, क्योंकि रीअरेंजमेंट कर लेगा बेटा ये, देखो इसकी मैकेनिज्म CH2 यहां पर है CH3, ध्यान रखो ये CH3 है, ये CH3 है, सबसे पहले अटैक करेगा H+, एच प्लस, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ माइनस बन जाएगा बेटा और यहाँ प्लस बन जाएगा, एच प्लस यहाँ पर अटैक करेगा तो CH2 से क्या बन जाएगा बेटा CH3, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा CH3। अब ये प्लस यहाँ पर रहेगा, ये पास में शिफ्ट हो जाएगा, क्यों बेटा, वो भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है और ये भी 3 डिग्री, यहाँ पर अल्फा डिग्री तो सेम ही है, देखो अगर मैं यहाँ पर काउंट करूँ 2 hydrogen 3, 2, 5 and 6 और यहाँ पर अगर आएगा बेटा तो होगा यहाँ पर 1 और 2, 3 और 3, 6 यही पर बन जाएगा, इसकी गलती नहीं है, यही बना दो अरेंजमेंट करने क्या जरूरत है, जब अरेंजमेंट करेगा फिर भी वही बात होगा तो यही पर अटैक कर देगा Cl- यही पर अटैक कर देगा।
कितने लोग यही आंसर है, क्योंकि देखो बेटा सेम क्वेश्चन अरेंजमेंट करने से कोई फायदा ही नहीं होगा। जब फायदा होगा तो अरेंजमेंट तो कब करेगा जब कोई फायदा पहले जितना था वही का वही सेम आ रहा है। जब सेम आ रहा है तो रीअरेंजमेंट क्यों करेगा? यस और नो? रीअरेंजमेंट तो तब करता है जब पहले उसको, यहाँ पर कोई फायदा नहीं था, वही का वही सेम टू सेम आ रहे थे। तो इसका आंसर बेटा यही होगा, पहला वाला यही प्रश्न। ठीक है बराबर क्या आंसर है इसका? आंसर क्या है? कहां पर सेल जुड़ा है? यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर कहां जुड़ेंगे सेल? सबसे पहले देखो बेटा यहां पर भी बनेगा, ठीक है, यहां पर भी बनेगा, यहां CH3 थ्री हाइड्रोजन, और यहां पर बेटा वैसे भी 2 डिग्री होगा, ये यहां से मूव होके कहां चला जाएगा बेटा? डिग्री पर 3 डिग्री आने से यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर बेटा आप लोग 1 हाइड्रोजन 2 एंड 1 3, और यहाँ पर भी कितने होंगे बेटा 2 3 और 2 5। लेकिन बेटा अगर ये यहाँ पर मूव हो जाए तो, यहाँ पर मूव हो जाए तो 6 हो जाएगा क्लियर। यहाँ पर क्लियर यहाँ पर जुड़ेगा, तो देख सकते हो बेटा यहाँ अभी मान्यू वैसे नहीं।